हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो कि हर एक बेस्ट, हर एक जो लीडर है, कोई से भी फील्ड में लीडर है, चाहे बिजनेस में है, स्पोर्ट्स में है, पॉलिटिक्स में है, या कोई से भी फील्ड में है, या इन्वेंशन साइंटिस्ट है, उस बंदे के अंदर ये क्वालिटी बहुत ही जरूरी है। और उन लोगों ने ये जो क्वालिटी है इसको डेवलप किया। किस तरीके से डेवलप किया, मेंटली किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, स्पेशली वो क्या चीज है, दैट इज परसिस्टेंस। व्हाट इज परसिस्टेंस? परसिस्टेंस वो चीज होता है कि नेवर क्विटिंग एटीट्यूड। इन सिंपल वर्ड्स में अगर बताएं तो नेवर क्विटिंग एटीट्यूड। आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं आज इस बार स्कूल में टॉप करूंगा, मैं इस बार यूनिवर्सिटीज में टॉप करूंगा, मैं इस जो जॉब रिलेटेड एग्जाम है इसमें टॉप करूंगा, तो आप 100% अपना एफर्ट के साथ हर एक दिन आपको अपना विल पावर यूज करके अपने आप को उस मेंटालिटी में घुसाने का कि मेरे को इस बार टॉप करना है तो मैं टॉप करके रहूंगा। तो ये भी बहुत सारा एग्जाम्पल है वर्ल्ड में जो कि आपको सिखाएगा कि जो परसिस्टेंस क्या है। मैं बार बार अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, फिर भी देना पड़ता है। क्यों? उस बंदे का जो लाइफ है, अगर आप खुद थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो बंदा है कितनी बार वो फेल हुआ। एक सेल्फ एजुकेटेड पर्सन, द ग्रेटेस्ट, द पर्सन हु गेव द ह्यूमैनिटी द ग्रेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इससे पहले डेमोक्रेसी को किसी ने भी इतना अच्छी तरीके का डेफिनेशन दिया नहीं था। और इसके बाद आई डोंट थिंक एनीबडी कैन गिव द डेमोक्रेसी ए बेटर डेफिनेशन देन अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। सोचिए कि उस बंदा पूरा लाइफ भर हारता रहा। क्या दो मैरिज किए थे वो भी फेलियर हुए, देन एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया उसमें फेल हुआ, देन 1856 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेन ही लॉस्ट टू स्टीफन डॉगलस, एंड फाइनली द डे केम बिकॉज ही वॉज परसिस्टेंट, ही वॉज नेवर क्विटिंग एटीट्यूड। उसने बोल दिया कि मैं पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बनूंगा और स्लेवरी को हटा के रहूंगा, एंड फाइनली ही बिकेम प्रेसिडेंट। एंड उसका जो डिजायर था कि मेरे को स्लेवरी को हटाना है, एंड फाइनली ही गॉट सक्सेस इन दैट ऑल्सो। आप सोच सकते हैं, एक बंदा इतनी बार हारने के बाद भी उसने क्विट नहीं किया अपना जो ड्रीम है, अपना जो गोल है कि मैं ये करके रहूंगा, और ये फाइनली वो चीज अचीव करके रहा। तो उसके लाइफ से हमें क्या सीख मिलता है, कि ये सीख मिलता है कि हो सकता है कि आप एक बार हारो, दो बार हारो, तीन बार हारो, लेकिन अगर आप हारने के बावजूद अगर आप अपना ड्रीम और गोल छोड़ते नहीं हो, देन यू बिकेम परसिस्टेंट। आपको अपना विल पावर यूज करना है, आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को कैलकुलेट करना है, एंड देन यू विल सी दैट व्हाट इज योर वीकनेस फॉर विच यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट गोल। जब आप सोचते हैं कि ये मेरा वीकनेस है और इसकी वजह से मैं ये चीज अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, उसको इम्प्रूव करो, एंड फाइनली यू विल अचीव इट। एक और चीज इंडिया से मैं एग्जाम्पल दूंगा, वाजपेयी साहब जो थे, द लाइफ ऑफ द ग्रेट वाजपेयी साहब, आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ वाजपेयी साहब। वाजपेयी साहब ने क्या 1950s में ज्वाइन कर चुके थे वो पॉलिटिक्स, एंड सी एक बार क्या हुआ था कि एक इंसिडेंट बताता हूँ कि वाजपेयी साहब के लाइफ का। वो पार्लियामेंट में नेहरू जी को बहुत अच्छी तरीके से काउंटर किए और उनको मीन्स टोटली आउटस्पोकन कर दिए पार्लियामेंट में, एंड फाइनली एक फॉरेन से एक डिग्निटरी आए थे। जब नेहरू साहब वाजपेयी को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, उस फॉरेन डिग्निटरी को बोले कि ये होंगे हमारे फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर, एंड इट वॉज स्पोकन समवेयर इन 1950s में ये वर्डिंग नेहरू साहब का था वाजपेयी साहब के बारे में कि ये जो बंदे हैं फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो सोचो कि वो बंदा कंटिन्यूसली उस चीज को लिटरली लिया कि यस मैं बन सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर। हो सकता है कि टाइम लगा, कंटिन्यूसली लगा, कंटिन्यूसली,
and finally he became the prime minister. All of a sudden, nothing happens overnight, friends. कुछ भी चीज overnight नहीं होता. आपको only life में only एक बार success होना है, अच्छी तरीके का success. And finally, the world will become fan of yours. जो दुनिया है आपका फैन हो जाएगा. अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में भी देखेंगे, एक बास्केटबॉल प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन जो थे वो महान बास्केटबॉल प्लेयर थे, लेकिन वो 9000 टाइम्स शॉट्स वो मिस किए. 9000 टाइम ही गॉट फेलियर, ही मिस्ड मेनी विनिंग शॉट जो कि उनका टीम ने दिया कि जाओ भाई तुम विनिंग शॉट मार के आओ. सोचो कि एक महान प्लेयर है जिसके ऊपर पूरा टीम इतना ट्रस्ट करता है और उसको दिया कि लो जाके विनिंग शॉट मार के आओ, जो कि एक नॉर्मल प्लेयर भी डाल देगा, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट ही मिस दैट विनिंग शॉट. सोचो कि एक बंदे का ग्रेटनेस इसीलिए कम नहीं हो जाता कि वो फेल होता है. ग्रेटनेस तभी बढ़ता है जब वो फेल होने के बावजूद भी अपने आप को ऊपर उठाता है और वापस दुगनी तेजी से, दुगनी पावर से वो अपने गोल की तरफ भागने लगता है. दैट इज कॉल्ड द ग्रेटनेस, द एटीट्यूड ऑफ नेवर क्विटर्स. देयर इज ए फेमस सेइंग इन इंग्लिश, क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट. आपको अंदर एटीट्यूड को लाना पड़ेगा. क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट. जो क्विट कर देते हैं वो फॉलोअर क्लास बन जाते हैं और वो उसी लोगों के अंदर काम करते हैं जो नेवर क्विटर्स. बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल इन द बिजनेस, अगर आप बिजनेस में भी देखेंगे, जो KFC था, KFC जो KFC चिकन के नाम से आप जानते हैं, वो KFC जो चिकन है वो था, उसका फाउंडर थे कर्नल सैंडर्स. अगर आप गूगल करेंगे अभी कर्नल सैंडर्स के बारे में, ही फेल्ड मोर देन 1009 टाइम्स. कैन यू इमेजिन फ्रेंड कि एक बंदा 1009 बार फेल होता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं जो प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ दुनिया को वो बेस्ट प्रोडक्ट है. और फाइनली ही गॉट द ब्रेक आफ्टर 1009 अटेम्प्ट्स. कोई सोच सकते हो इंडिया में इतना नेगेटिविटी है, एक दो बार फेल होते ही लोग बोलने लगते हैं, लेकिन एक बंदा इतनी बार फेल होने के बावजूद वो अपने आप को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करके चलता है कि मैं ये सक्सेस पाके रहूंगा. एंड फाइनली सी KFC टुडे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यू फाइंड KFC स्टोर. अगर सोचो कि कर्नल सैंडर ने छोड़ दिया होता है बहुत बार, 100 बार या 200 बार या 300 बार में, तो क्या वो आज जो सक्सेस अचीव किया है KFC ने, क्या वो अचीव कर पाता? नहीं कर पाता. अनदर एग्जाम्पल, थॉमस अल्वा एडिशन, ही फेल्ड मोर देन थाउजेंड टाइम्स. इवन गूगल में एग्जैक्ट आंसर मेरे को मिला नहीं ठीक से, एग्जैक्ट आंसर, बट इट इज सेइंग मोर देन थाउजेंड टाइम्स, सम सेइंग 10,000 टाइम्स. बट इमेजिन somebody even failing more than 1000 times during that time, and even after failing he never stopped. Wo band nahi kiya ki apna jo invention ka jo practice hai. And finally he discovered the incandescent bulb jo hai wo finally wo discover kar lete hain. And socho ki duniya ke liye kitna bada gift hai aaj ke date mein. Not only this, agar aap India mein aa jaye तो इंडिया में भी देखिए, एक दशरथ मांझी जो बिहार का एक बंदा था, उसने सोचा कि पहाड़ जो उसकी वाइफ को हॉस्पिटल लेने जाने में रोका, और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको तोड़ के रहूँगा. उसने एक एटीट्यूड बनाया, अपना लाइफ का एक मिशन बनाया कि इस पहाड़ को तोड़ना है और मेरे को रास्ता बनाना है. अगर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक फाइट करूँगा. और उसने यही एटीट्यूड से काम करना स्टार्ट कर दिया. दिन काम किया, रात को काम किया, फाइनली जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसने वो एटीट्यूड अपने अंदर ला दिया, अपने ब्लड में ला दिया. एंड फाइनली ही डिड इट, ही अचीव्ड इट. और उसने क्या किया, उस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया. तो मैं जितना भी आपको ये एक एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल को गौर से देखना. जितने भी बंदे महान है या लीडर बने हैं, जो अपने फील्ड में बेस्ट बने हैं, उन सब ने परसिस्टेंस को यूज किया, नेवर क्विटिंग एटीट्यूड को यूज किया. बहुत सारे बंदे हैं
जो कि हैरी पॉटर का मूवी देखते हैं या फिर हैरी पॉटर का ये बुक्स पढ़ते हैं, आपको पता है जेके रोलिंग जो है उन्होंने 12 बार सी फेल्ड, 12 times सी took her book to a publishing house and publishing this kind of a books never work. अगर सोचो कि जेके रोलिंग का अगर 12वें अटेम्प्ट में वो फेल थी, अगर वो 13वां अटेम्प्ट नहीं लेती, क्या जेके रोलिंग बिलियनर ऑथर बन पाती आज? She couldn't have become the first billionaire author as a billionaire because her book sold as well as books to her right for movies that also sold. तो हैरी पॉटर की मूवी जो जेके रोलिंग है, अगर वो जेके मींस हैरी पॉटर ही नहीं बनता, पहली बात तो वो है, तो सोचो कि सभी जितने भी लीडर कोई से भी फील्ड में बेस्ट बने हैं, उन लोगों ने ये जो परसिस्टेंट नेवर कुटिंग एटीट्यूड है अपने अंदर लाया, तब जाके वो सक्सेस पा पाए अपने लाइफ में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट never giving up spirit or never quitting attitude, that is persistence. Hope you like today's video. और मेरा ये humble request आप लोगों से है, ये जो मैं videos बना रहा हूँ, try to spread with your friends and remove their mental blockages or negativity. Main problem क्या होता है, आप लोग जब पॉजिटिविटी को फैलाएंगे नहीं, तब तक आप अंदर नेगेटिविटी के अंदर ही चारों तरफ घूमते रहेंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू टू राइट ए कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स दैट आई कैन नेवर क्विट, आई एम परसिस्टेंट, आई कैन नेवर क्विट, एंड डू स्प्रेड विथ योर फ्रेंड्स, रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम देयर वर्ल्ड ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.